अबे चुप रहो यार, तुम चुप रहो यार। कैसे हो तू भैया? मोबाइल पूजा करो। हाँ कहिए सर। सरदार पटेल कि जो हमारे बीच में मजबूर समाज है, जिसमें मैं मल्ला है, केवट है, निषाद है, सभी ये जो समाज के लोग हैं, इनके लिए सरकार की अन्य योजनाएं आई हैं। उन योजनाओं के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार और उनको उसका लाभ मिले, इसके बारे में हम लोग का ये रैली की जा रही है, जो कि यहाँ से वीआईपी घाट से शुरू होकर बलुआ घाट तक की जाएगी, जिसके लिए मैं स्वयं आया हूँ। हमारे साथ हमारी सांसद हैं केसी देवी पटेल जी, हम लोग के विधायक प्रवीण पटेल जी हैं, हम लोग के फापामू के विधायक भी हैं और अन्य लोग रवि हैं, हमारे जो कन्वीनर हैं राज्यसभा के सांसद वो पीयूष रंजन निषाद जी भी हैं और दीपक पटेल जी भी हैं। सभी लोग हम लोग ने मिल के यहाँ पर इसको हरी झंडी दी है और साथ ही साथ एक बड़ी खुशखबरी भी है, जो हमारे मल्ला और केवट है, उनकी बहुत बड़ी समस्या थी। वो समस्या उनकी ये थी कि जो एक कानून बना था, उसके अंदर वेसल को बैंड किया गया था, वेसल का मतलब बोट को करके बैंड कर दिया था, जिसके तहत उन लोग अन्य कार्य नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए भी योगी जी ने स्वयं एक कमेटी बनाई और मुझे उसको उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और उसके लिए हम लोग ने उसका समस्या सॉल्व कर दी है। जो अब जो गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस के तहत परिवहन और मत्स्य पालन के लिए बोट का जो इस्तेमाल होता है, वो अब हमारे मल्ला और केवट ये सब कर सकते हैं। इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, पहले भी नहीं था। मैं कुछ कन्फ्यूजन आया हुआ था, जिसके कारण ये हो नहीं पा रहा था, मगर वो कन्फ्यूजन अब दूर कर दिया गया। सर, देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कई पार्टियों ने बीजेपी से अलग होने की घोषणा कर दी है, उसी के साथ ही कल 7 आपके विधायक भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं। ऐसा है, ये चुनावी माहौल है, अपना अपना राग, अपनी अपनी ढपली लेके सब निकले हैं। जिसको लगता है कि हमारा जो है दूसरी पार्टी में जाकर हमें शायद सीट मिल जाएगी, वैसे लोग जा रहे हैं, ये अफसरवादी लोग होते हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है चुनाव, न ही कोई व्यक्ति लड़ता है, और संगठन उसको चुनाव जिताती है। इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और सत्ता में, केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी। सर, त्रिपुरा को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के ऊपर और वहाँ की राज्य की सरकार के ऊपर काफी दबाव दिया जा रहा है। और लोग इसको पहन लीजिए भाई साहब, ये रखा है और लोग पहन लीजिए, थोड़ा डिसबैलेंस हो रहा है। खबर चलाया पर मैं दादू की आई होटल रात की।